बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं पारसरज़ा पारसटीम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ख़ानदान बनी हाशिम के किरदारों का सिलसिला जारी है और आज मैं आपके साथ जिस हस्ती का जिक्र करने वाली हूँ वो भी अपनी मंजिलत व फजीलत से बहुत बाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की मेरी इस वीडियो का उन्वान बीबी पाक मासूमा कुम। बीबी का नाम फातिमा बिनते मूसा काजिम या फातिमा मासूमा और अहले बैत के बुज़ुर्ग और तशी के सातवें इमाम इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की बेटी और मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन है। बीबी फातिमा मासूमा सातवें इमाम मूसा बिन जाफ़र अल काजिम की दुख्तर हैं। आपकी वालदा ग्रामी का नाम नजमा खातून है। शिया मुसलमानों के यहाँ मोहतरम शख्सियात में से शुमार होती हैं। इनका मज़ार ईरान के शहर कुम में वाक़िया है। दुनिया भर से शिया मुसलमान कुम में उनकी ज़ियारत के लिए जमा होते हैं। बास तारीख़ की किताबों में जिक्र हुआ है कि मासूमा का लकब उन्हें उनके भाई और शियों के आठवें इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा ने दिया है, जबकि शोहरत मासूमा कुम या हज़रत मासूमा के नाम से है। मशहूर कौल के मुताबिक यकम जुल्कर वो मदीना मुनवरा में पैदा हुई हैं। जब अब्बासी खलीफा मामून ने मौला इमाम रज़ा को खुरासान बुलाया तो एक साल बाद बीबी फातिमा मासूमा अपने भाई की जुदाई बर्दाश्त न कर सकने की वजह से खुरासान की सफ़र हुई और एक बहुत बड़े काफ़िले के हमराह जब कुम के करीब सावा शहर पहुँची तो दुश्मनों ने काफ़िले पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में काफ़िले के बहुत सारे अफराद कत्ल हो गए और बीबी फातिमा मासूमा को एक खातून ने जहर दिया। कुम शहर के अरब और अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले अशरी कबीले के लोग उनको कुम ले आए, जहां वो 17 दिन जिंदा रहने के बाद जहर के असर से वफात पा गईं और अपने भाई से मुलाकात और खुरासान का सफ़र मुकम्मल न कर पाईं। कुम फातिमा मासूमा के मज़ार की वजह दुनिया भर के शिया मुसलमानों के लिए अहम शहर शुमार किया जाता है। उनके इल्मी मुकाम के लिए यही जिक्र करना काफ़ी है कि बाज़ तारीखी रिवायात ने जिक्र किया है कि शियों के एक गिरोह ने अपनी इल्मी तशनगी को दूर करने के लिए इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, गर्ज से सफ़र किया। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम किसी सफ़र की वजह से मदीना में मौजूद न थे तो हज़रत फातिमा मासूमा ने उन सवालात के जवाबात खुद ही तहरीर कर दिए और जब वो लोग रस्ते में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मिले और उन जवाबात को पेश किया तो उन्होंने उन जवाबात को देकर फरमाया कि फातिमा मासूमा पर उनके वालिद फिदा हों। शिया किताबों में हज़रत फातिमा मासूमा की ज़ियारत की फजीलत में चंद अहादीस नकल की गई जो उनकी खुदावंदे मुताल के यहाँ फजीलत और शान व मंजिलत की निशानदेही करती हैं। जैसा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह का हरम मक्का, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम मदीना मुनव्वरा, हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हरम कूफा, जबकि हमारा हरम कुम शहर है कि जहां मेरी औलाद हैं। आपकी वफ़ात 10 रबीउल सानी को कुम में हुई। उस वक्त मुद्दत हयात शमसी एतबार से 26 साल 7 माह और कमरी एतबार से 27 साल 5 माह थी। कुम में जिस मुकाम पर आपकी तदफीन की गई अब वो हरम फातिमा मासूमा के नाम से मशहूर है। हज़रत फातिमा मासूमा की वफ़ात के बाद मूसा बिन खजरज अशरी ने उनको बागे बाबलान में दफन कर दिया और उनकी कब्र पर साइबान बना दिया जो बाद में गुंबद में तब्दील कर दिया गया और उस वक्त एक सुनहरी रंग का एक बहुत बड़ा गुंबद शहर कुम के मरकज़ में वाक़िया है, जिसकी ज़ियारत के लिए लाखों की तादाद में ईरान और ईरान से बाहर के ज़ायरीन रुजू करते हैं। हरम हज़रत मासूमा के जवार में बहुत सारे उलमाए शहरा, मुस्तहिदीन, बादशाह और दीगर शख्सियत दफन हैं, जिनमें सफवी ख़ानदान के शाह सफ़ी, शाह अब्बास, तोम शाह सुलेमान, शाह सुल्तान हुसैन और काजारी ख़ानदान के बादशाहों में से फतह अली शाह काजार और मोहम्मद शाह काजार शामिल हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।